चिल्वाताल थाना क्षेत्र के बंजरहा गांव में शुक्रवार को कलेक्शन कर उसका गांव की तरफ जा रहे फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को असलहे के बल पर 1,40,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने पहले मैनेजर को असलहा दिखाकर रोका और फिर धक्का देकर बंधे से नीचे गिराकर डिग्गी में रखा रुपया, फिंगर मशीन, टैबलेट आदि लूटने की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मैनेजर के बताए हुलिया के हिसाब से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बलिया जिले के रसड़ा इलाके के गौरा चौर गांव निवासी सतीश यादव भारत फाइनेंस कंपनी में मैनेजर हैं। पीपीगंज में कंपनी का अस्थायी कार्यालय है, मुख्य कार्यालय हैदराबाद में है। शुक्रवार की दोपहर में सतीश अपनी बाइक से बंजरहा गाँव गए थे, वहाँ से रुपये का कलेक्शन कर उसका गाँव की तरफ जा रहे थे। सतीश अभी गांव के बाहर बंधे पर पहुंचे थे कि वहां पर तीन बदमाशों ने मैनेजर की बाइक को रोक ली और मारपीट कर उन्हें बंधे से नीचे धक्का दे दिया। बाइक की चाबी निकाल डिग्गी में रखे रुपए सहित अन्य सामान लेकर एक ही बाइक से तीनों बदमाश डोहरिया की तरफ भाग निकले। वहीं घटना के बाद मैनेजर सतीश ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर गांव के ही दुर्बल यादव सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को लूट की सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी नीरज राय, एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे, सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम के लोगों ने चश्मदीद बालक से लुटेरों के हुलिया और कंपनी के मैनेजर से बदमाशों के चेहरे के बारे में पूछताछ करने के साथ यह जानने की कोशिश की कि वह इतने पैसे कहां से वसूल कर ले आ रहे थे। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा कि कई टीमें लगा दी गई हैं और लूट की घटना का जल्द खुलासा हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चश्मदीद बालक और लूट के शिकार मैनेजर सतीश यादव और लूट के संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा। क्या नाम है बेटा? पिता का नाम? घर है? सर जी हमारा घर तो बहुत दूर है, लेकिन हम अपने नाना के यहाँ आ पाते हैं। किस गांव पे? मैंने भागा। यहाँ क्या कर रहे थे बंदे के पास? सर जी हम अपन ये खेत वाला खावत रहनी। क्या बोया हुआ है खेत में? सर जी वो मूंगफली बोल बा। अच्छा, तो यहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे? नहीं सर जी, हम मछली मारता। अच्छा, तो लोग क्या कहे? हम जो सर जी छोटे बाबू ले ले गई जो कहा था कि बिस्कुट पानी पिए खातिन बिस्कुट ले। क्या लोग थे? तीन लोग थे। गाड़ी के नीचे खड़े थे और वो लोग नीचे बैठे थे। नीचे थे। उसके बाद जब बिस्किट तुम लेने गए, उसके बाद क्या हुआ? बिस्किट लेके आ गए थे फिर? नहीं सर, हम आराम में गाड़ी तब तक का बैठा ना। सतीश यादव पूरी कहानी बताए, कैसे क्या हुआ आपके साथ? बाकी सब सुबह से अपना सेंटर मीटिंग कर रहे थे, यहाँ बंजरहा गांव में आए मीटिंग करने, यहाँ से कलेक्शन करके उसका के लिए जा रहे थे। उसका जब निकले बीच रास्ते में ही बदमाशों ने घेर लिया। हम क्या घेरने के बाद मारपीट किए हैं, गड्ढे में ढकेल के फिर हमारी गाड़ी के बाइक छिनती करके, और डिग्गी में कैश था, डिग्गी में कैश चाबी से खोल के तोड़ के लेके निकल गए। फिर हमको बंधे से नीचे किए होते, फिर निकल गए। उसके बाद हम बंधे आए, फिर आगे लोग को बुलाए। उनके पास और कुछ भी था क्या? हाँ, दो पिस्टल दो लोग लिए हुए थे सर। चिल्वाताल थाना क्षेत्र में आज एक फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट सतीश यादव से 3,000 मोटरसाइकिल का द्वारा लूट की घटना कार्य की गई, जिसमें थाना चिल्वाताल से मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? सर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना का अनुमान कर दिया जाए। ये वो बालक द्वारा ये बताया गया कि ये वो लूट करने वाले घटनास्थल पे कुछ जो है दे रुके थे। बच्चे ने उनके होलिये के बारे में बताया है, कुछ लेकिन बहुत स्पष्ट बातें नहीं बताई है। ये बताया कि मास्क लगाया उनसे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं बच्चे की द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पे। अब तक मुकदमा दर्ज करके जो है, और जो भी इसके संभावित एंगल हो सकते हैं उन बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं।